हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आइए करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो आज का ब्लॉग मैं वही पीछे गैलरी से शुरू कर रही हूँ। मैं गैलरी में धूप बहुत तेज लग रही थी, तो थोड़ा सा मैं कमरे के अंदर भी खड़ी हूँ। तो करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको शरारती। ये मेरे दो बच्चे, ये सारा दिन यहीं ग्रिल पे खड़े रहते हैं। ये देखो, पीछे डॉग देखते रहते हैं, इंसानों को देखते रहते, भौंकते रहते हैं। इनका काम यही है बस। देखो, ये गैलरी है ना, ये गैलरी पूरी इनको दे रखी है। कमरा और गैलरी, ये पूरी गैलरी में इनका राज है। ये देखो खड़े हैं, ये मेरे पुच्चा पुती। ये देखो, पीछे कुछ भी दिखेगा तो ये भौंकना शुरू कर देंगे। ये मेरे पीछे की गैलरी है, आगे की गैलरी तो मैं हमेशा दिखाती हूँ ना, ये मेरे पीछे की है। ये देखिए, ये मेरे पीछे की गैलरी। यहाँ मैंने छोटे छोटे गमले रखे हुए हैं। ये देखिए, आपको दिखाया था ना कि टमाटर का पौधा जो मैंने पीछे भी है, हमारे दो हैं। ये देखिए कितना बड़ा हो गया, लेकिन अभी इसमें टमाटर नहीं आया। ये मुझे समझ में नहीं आई, उसमें तो टमाटर अपने आप आ गए थे, इसमें नहीं आई। ये देखो कितना बड़ा हो गया। और ये भी देखो एक पौधा, ये भी टमाटर का ही है। तो पता नहीं पौधे में टमाटर कब आएंगे, मुझे नहीं पता। उसमें भी मुझे अचानक ही दिखे थे। और ये देखिए बाहर का व्यू हमारा, बैक साइड का। ये हमारा बैक साइड का व्यू है। ये देखिए, दूध मंगाया था पहले, मैंने डॉग को खाना दे दिया, जो उनके लिए मैं दूध अलग से मंगाती हूँ। और अपना दूध अब अलग से मंगाने लगी, क्योंकि डॉग ज़्यादा होने लग गए हैं तो दूध ज़्यादा लगता है। तो मैंने अपने लिए ये 2 किलो दूध मंगाया था, तो ये अलग से मैं उबाल रही हूँ। और डॉग के लिए मैं 1 किलो दूध अलग से मंगाया, जो मैंने उनको खाना दे चुकी हूँ। और 1 किलो शाम को भी चाहिए होता है, आपको पता ही है, शाम को भी आ जाते हैं आजकल, सुबह भी आते हैं, इनका कोई टाइम नहीं है, तो फिर दूध लग ही जाता है। तो फिर दूध आया वो तो कच्चा था, मैंने कहा उबाल लेती हूँ, कच्चा दूध रख रहे के आजकल मौसम भी ठीक नहीं है तो ख़राब ना हो जाए। मैंने कहा चलो उबाल लेती हूँ। सफ़ेद चावल, क्योंकि सब्जी रखी थी, सब्जी है, तरी वाली सब्जी है, तो मैंने कहा उसके साथ चावल अच्छे लगेंगे। पहले मैं पुलाव बनाने लगी थी, पुलाव नहीं खाने का मन था, तो वाइट चावल बना लिए। इसको तड़का लगा के भी बना सकते हैं। मैं तड़का लगा के भी, कुछ चावलों को मैं तड़का लगाऊंगी, कुछ चावल मैं सब्जी के साथ मतलब ले लेंगे। तो वाइट चावल बनाया मैंने ये अभी। और इसी के साथ मैंने चाय बनी भी रख दी है। मैंने कहा जब तक दूध उबलेगा, ये दूध उबल रहा है, और इसी के साथ मैंने कहा चाय भी बनी रख देती हूँ, चाय भी बनती रहेगी। तो डालते इसमें चीनी पत्ती। मैं आज बना रही हूँ पालक और चने की दाल की सब्जी। तो पालक मैंने काट के रखी हुई थी, बस इसको धो लेती हूँ। तो धो के फिर मैं चने की दाल भी, जो भी चने की दाल है हम उसको भी भिगोते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये किचन में मैंने ये प्लास्टिक की बाल्टी रखी हुई है। ये बाल्टी मैंने सिर्फ सब्जी धोने के लिए रखी हुई है, और इसमें कोई काम नहीं लेती। देखो ये साफ नीट एंड क्लीन है, ये सिर्फ सब्जी धोने के लिए। मुझे सब्जी धोने के लिए, जैसे मुझे पालक हो, हरी सब्जी कुछ भी धोनी है, या वैसे भी कोई सब्जी जो मिट्टी वाली ज़्यादा होती है, मुझे धोनी होती है तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं एक छोटी बाल्टी लेके आई थी, तो ये अलग से मैंने रखी हुई है। इसमें मैं पालक धोऊंगी अब, तो धोते हैं पालक। ये देखिए पालक को मैं पानी में धो रही हूँ, ये 2-3 बार मैं इस पानी में धोऊंगी, क्योंकि पालक में मिट्टी आपको पता है ज़्यादा होती है, तो इसलिए 2-3 बार धोना बनता है। उसके बाद मैं छन्नी में निकालूंगी, ताकि इसका थोड़ा पानी भी निकल जाएगा। देखिए चने की दाल भी मैंने भिगो के रख दी है, और यहाँ हमारी देखो पालक मैंने बाल्टी में डाल के रखी है। अभी मैंने इसको निकाला नहीं है, 2-3 पानी से अभी निकालूंगी। और यहाँ मैंने चने की दाल रख दी है, ये भी भिगो के रखते हैं इसको थोड़ी देर। ये भी भिगो कर थोड़ी देर, 15-20 मिनट तो भिगो के रखूँगी, जब तक तो मैं चाय पी लूँगी। मेरी चाय भी बन गई है, तो जब तक वो दाल भिगो के रखती है, इतनी देर में मैं चाय पी लेती हूँ। जब तक हम चने की दाल भिगो के रखते हैं, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। चाय भी बन चुकी है, चाय फिर ठंडी हो जाएगी। वैसे तो मैं ठंडी पीती हूँ, लेकिन इतनी ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ी गुनगुनी गर्म होनी चाहिए। तो बस मैं पीने लगी हूँ चाय। फिर बनाते हैं चने की दाल और पालक की सब्जी। चने की दाल और पालक की जो दाल बनती है ना, ये मिक्स बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों को भी अच्छी लगती है, घर में बनती है सबके। तो दाल पालक आज बनाते हैं, तो पहले पीते हैं चाय। ये देखिए चने की दाल जो हमने भिगो के रखी थी, और जो पालक हमने धो के छली में रखी हुई थी, वो मैंने कुकर में डाल दी है। और चने की दाल और पालक के साथ में अब इसमें नमक थोड़ा सा और हल्की सी हल्दी इसमें ज़रूर डालूंगी, और मिर्च के हिसाब से 3-4 हरी मिर्चें भी, 3-4 हरी मिर्चें इसी में डाल दूंगी, ताकि वो उबलने में चली जाएंगी। तो तड़के में फिर हम मिर्च कम डालेंगे। तो बनाते हैं फिर सब्जी दाल पालक की। अब मैं डालती हूँ इसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी और हरी मिर्च काट के। मैं बना रही हूँ दाल और पालक। ये मैंने फिर ढक्कन लगा के कुकर बंद कर दिया है। अब इसको उबालेंगे, कम से कम इसको 3-4-5 सीटी आने तक। लेकिन गैस हमें तेज आँच पे रखा हुआ है, और 4-5 सीटी आने देते हैं, उसके बाद फिर इसको खोल के देखेंगे जो हमारी दाल है वो गल गई है कि नहीं गल गई। फिर उसके बाद उसको तड़का लगाएंगे। ये देखो ये दोनों, मैं किचन में थोड़ी देर के लिए गई हूँ, तो पलंग पे शुशु कर रही थी। ये हल्का सा शुशु किया था, मैं ऊपर से आ गई और मैंने उनको डराया, तो ये देखो दोनों कैसे पसरी पड़ी हैं। किसने किया शुशु?
है? किसने किया था पलंग पे शिशु? ये शिशु हल्का सा किसने किया था? किसने किया था? तेरे से पूछ रही हूँ पति। देखो गुन्नी बन के दोनों कैसे बैठी है, वो उसको देख रही है, वो उसको। पीछे हो जा, मैं आज प्यार नहीं करूंगी दोनों को। आज मैं ना पुत्र को प्यार करूंगी ना पुच्ची को प्यार करूंगी। किसने किया था शिशु? लाड़ प्यार बहुत हो गया, अब नहीं करूंगी लाड़ प्यार। बता पुच्चू, तूने किया था? ये देखो, ये देखो, ये जब कोई करती है ना कुछ तो ऐसे ही फिर मेरे को ना मस्के लगाती है। ये देखो किसने किया था शिशु, हैं? तू बता, इसको बता। ये पिटेगी अभी, लाड कर रही है जान के, दोनों पिटोगी। देखा दाल हमारी उबल रही है, मैंने पहले तेज पे रखा था, अब सिम कर दिया, मैं थोड़ी देर सिम पे रहने देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे तड़के के लिए ये तैयारी की है, तो इसमें दो प्याज, थोड़े सा लहसुन और एक अदरक का टुकड़ा ये डालूंगी, और साथ में दो टमाटर और दो हरी मिर्चें ये तड़के में डालूंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने हीना को कॉल किया, मैंने कहा हीना कैसी है, हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया, तो कहती मम्मी मुझे फीवर है। मेरे को फीवर कब हुआ? कल तक तो ठीक थी, तो कहने मम्मी मुझे रात को फीवर हो गया, तो मैं सुबह से बस उठ नहीं पाई हूँ, तो बस अभी शाम को ही उठी हूँ, क्योंकि मेरे से उठा नहीं जा रहा, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, फीवर बहुत तेज़ है मुझे। तो कह रही अभी मैं मनीष के साथ जा रही हूँ दवाई लेने के लिए, तो बस तब से मूड ख़राब है, क्योंकि बच्चों का सुन के फिर मूड ख़राब ही होता है, फीवर एकदम हो गया उससे। तो कह रही मम्मी बहुत शरीर में जैसे दर्द हो रहा है, तो मतलब कोई बात नहीं, बुखार होता है तो ऐसा होता ही है, कोई बात दवाई खाएगी तो ठीक हो जाएगी। कह रही हाँ बस मैं दवाई लेने जा रही हूँ मनीष के साथ, तो बस तब से दिमाग में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हिना की पहली होली है, मैं सोच के बैठी थी होली अच्छी तरह से धूमधाम से मनाएगी, मतलब खेलेगी होली अगर फीवर हो गया है, और भगवान ना करे अगर फीवर नहीं ठीक हुआ तो होली खेलने में दिक्कत आएगी। इससे रंग तो खेल सकते हैं हल्का फुल्का, लेकिन जैसे बच्चा खुशी खुश होकर इंजॉय नहीं कर पाएगा, तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो भगवान करे मेरी बेटी कल परसों तक ठीक हो जाए, दवाई खाएगी तो ठीक हो जाएगी। वैसे बस आप लोग भी प्रे करना कि होली से पहले ठीक हो जाए, वो अपनी होली मना सके, उसकी पहली होली है, खुशी खुशी। तो बस क्या कहूँ मैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा, जब से हीना के बारे में हीना का सुना है ना, बुखार हुआ हुआ, बस दिल कर रहा है भाग के मिलाऊँ हीना से। देखती हूँ जाऊंगी तो सही हीना को देखने के लिए। ये हमने घी गर्म करके इसमें प्याज अदरक और थोड़ा सा लहसुन डाल के हम फ्राई कर रहे हैं, ये देखो मसाले के लिए। और यहाँ पे हमारे टमाटर जो हमने कद्दूकस करके रखे हुए हैं, प्याज जब हमारे लाल हो जाएंगे तो इसमें हम टमाटर डालेंगे, और साथ में दो हरी मिर्च भी काटने वाली हूँ, अभी काटनी है मुझे। और यहाँ पे हमने ये जो दाल किया था, दाल और पालक थी, ये हमने उबाल लिए। अगर आपको पालक थोड़ी सी जैसे मैश करनी है तो ये होता है ना, ये जो लस्सी और दाल मन्ना कहते हैं हमारे में, इससे आप इसको घोट सकते हो, थोड़ा और मतलब अच्छी बन जाएगी, घुल मिल जाएगी, मतलब खड़ी खड़ी नहीं बनेगी, मधानी, ये मधानी नहीं कहते इसको, जैसे क्या कहते हैं इसको, दाल मन्ना हमारे में कहते हैं, तो इससे आप इसको घोट सकते हो। ये देखिए हमारा मसाला बन के तैयार है, अब इसमें डालेंगे हम सब्जी। मैं वही सिंपल ही बनाती हूँ, आपको पता है, प्याज अदरक हरी मिर्च टमाटर और लहसुन और दो ये लाल मिर्च मैंने जब घी गर्म किया था तब डाली थी, और मसाला बनाया। बस मसाले को अच्छे से भूनना होता है, भूनने के बाद सब्जी डालो। तो सबसे ज़रूरी सब्जी बनाने में प्यार, अगर आप प्यार से सब्जी बनाओगे ना दिल से, तो सिंपल सब्जी भी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखो दाल पलक हमारी बन के तैयार है, देखो मोहन लाल जी बैठे हैं। हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक हूँ। और हीना को मैंने शाम को फोन किया था, हीना को बुखार हो गया रात से, बुखार हो गया उसको, फिर क्या दवाई लाई है। हाँ फोन कर लेना, अभी दवाई लाई है मनीष के साथ जाके। अच्छा। कह रही मम्मी फीवर तेज है, कह रही रात को अच्छी बली थी, पत्नी सवेरे उठी तो बुखार बहुत तेज हुआ अपना। बात हुई नहीं। एक बार अभी फोन कर लेंगे ना। मैंने मोहनलाल जी को बताया कि हीना को फीवर है, तो देखो आते ही जैसे उसने फोन मिला दिया, कह रहे मैं हीना से हाल चाल पूछ लूं कैसी है तबीयत।
बच्चों का सुन के बैठा थोड़ी जाता है, कह रहे मैं पहले हीना से बात करते कहीं सो ना जाए। हाँ मैंने कहा कर लो, ये हीना से बात कर रहे हैं। हम खा रहे हैं खाना, यहाँ देखो मैंने पालक दाल जो बनाई थी कितनी अच्छी लग रही है, बनने के बाद कलर अच्छा आया है और देखने में भी अच्छी लग रही है। और ये रही हमारी रोटी और ये रही मेरी चटनी जो मैंने बनाई थी, ख़त्म होने वाली है। और यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, प्याज मुझे ना काट के खाने से अच्छा ना, ऐसे मुक्का मार के तोड़ के खाने वाला प्याज अच्छा लगता है, तो मैंने कहा एक प्याज लिया, आधा मोहनलाल जी ने लिया और आधा मैंने लिया। ये देखो ये रही मोहनलाल जी। खाना बहुत अच्छी बनी है, सब्जी सही बनी है। हाँ। मैं तो पूछा नहीं था, तुमने अपने शुरू कर दिया। अच्छा जो चीज अच्छी बनी है उसको अच्छी बोला जाएगा। अच्छा सही बात है, सही बनी है। हाँ। और हीना से बात हो गई? होगी मौसम ऐसा चल रहा है, मौसम ऐसा, अब देखो हवा चल रही है बाहर और ठंड ठंड, आज मौसम ठंडा है इस टाइम, तभी तो मैंने एक दिल्ली तो बारिश वाला मौसम बना। अच्छा यहाँ पे हवा चल रही है, यहाँ मेरे पुच्चू भी आई है। देखो पुच्चू खाना खाएगा बेटा? पुच्चू मैं खाना खा के गैलरी में खड़ी हुई थी तो मुझे एक बेल की अंदर ही आवाज़ आ रही थी, बेल बजने की, तो मैं बाहर निकल के आई तो देखा हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पौधे भी हिल रहे थे, तो वैसे तो ना पता चले क्योंकि हम अंदर रहते तो पता नहीं चलता बाहर हवा चल रही है कि नहीं चल रही, लेकिन जब ये बेल बजती है ना तो मुझे तब पता चलता है कि बाहर हवा चल रही है, और सच्ची में बाहर हवा चल रही है। ये बेल सही लगाई है हमने। ओए बुती आज मार पड़ी थी ना, है ना पुता, आज मार पड़ी थी, शिकायत की है मेरी पापा से, है पूछा पुच्चू आज मम्मी ने कैसे मारा था, आज पेशाब किया इन्होंने पलंग पे, हल्का सा किया है। अब मैं दो मिनट के लिए रसोई में आई हूँ, इन्होंने पलंग पे थोड़ा शुशु किया था, फिर मारा मैंने इनको, मैंने दोनों को मारा, फिर मारा था ना पुती, है ना बुचा, ओ बुचा आज मम्मी ने मारा था ना। चलो खाना खाओ, खाना मैंने रख दिया ना, देखो पलंग पे रख दिया दोनों का, महारानी है ना दोनों, पलंग पे बैठ के खाना खाती हैं, जमीन पे इनको हजम नहीं होता खाना। ये देखो ये पुत्ती का और यहाँ पुच्चू का खाना है, ये देखो खाओ पुत्ती जी खाना खाओ, देखो पुच्चू खा रही है खाना, खा ले बेटा खा ले, तो अपना खा पुच्ची खाना खा, मेरे बच्चा खाओ, खाना हमारा हो चुका है तो बस अब सोने की तैयारी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, कल मिलती न्यू ब्लॉग के साथ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, थैंक यू गुड नाइट।